हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अदरक लहसुन हरी मिर्च एंड ओल्ड की अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक सर्दियों की खास अचार है और बिहार में इसको रसुना भी बोलते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कम इंग्रेडिएंट पर बनाएंगे और हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लहसुन लिया है जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है। इसके अलावा 250 ग्राम के लगभग में अदरक है। अदरक और लहसुन दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर रखना है। और इसके अलावा 100 ग्राम के लगभग में हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 500 ग्राम ओल लिया है मैंने। इसको ओल भी कहते हैं, जिमीकंद भी कहते हैं, कहीं कहीं लोग इसको यमफूड भी कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे। ये आपको इजीली किसी भी सब्जी मंडी में या फिर सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। और ये देखिए, मैंने इसको छील लिया है। अब हम इसको बारीक कट करेंगे। कई बार होता है ओल काटने से या छीलने से हाथों में खुजली होने लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब ओल को आप पकड़ें या फिर काटें तो आप ग्लव्स पहन लें। और ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको चॉप करेंगे बिल्कुल बारीक, या फिर आप चाहें तो ग्लव्स पहन कर इसको कद्दूकस कर सकते हैं। तो मैं इसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको कद्दूकस नहीं करूँगी। ये देखिए, चॉपर में इसको चॉप करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जितना एक बार में आ जाए उतना हम चॉपर में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम चॉपर की ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे, जैसे हम ग्रेट करते हैं उसी तरीके से। और ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही चॉप किया है जैसे कि हम ग्रेट करते हैं, बिल्कुल बारीक। और बाकी के सारे जिमीकंद हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे जिमीकंद को ग्रेट कर लिया है। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से चॉप किया हुआ जिमीकंद को रखेंगे। और इसके बाद हम इसका पानी निचोड़ेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे कि मूली में होता है। ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है, बिल्कुल गाढ़ा पानी निकलता है इसमें से। इसको जितना ज़्यादा आप निचोड़ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से निचोड़ना है। और 500 ग्राम जिमीकंद में इतना सारा पानी निकला है, पानी को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगती है। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से ड्राई करके पानी निचोड़ लिया है। आप चाहे तो इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हो, लेकिन मैं इसको धूप में नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अच्छे से ड्राई करके पानी निचोड़ लिया है। अब हम अचार बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। और ये देखिए, मैंने ड्राई किया हुआ जिमीकंद को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में रख दिया है जिसमें हम सारे इन्ग्रीडियंट को मिलाएंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और लहसुन को भी हम सेम तरीके से चॉप कर लेंगे जैसे हमने जिमीकंद को चॉप किया था। तो सारे लहसुन को हम इसी चॉपर में डाल देंगे और इसे भी हम बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने लहसुन को भी चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। इसको भी हम जिमीकंद वाले बॉल में डाल देते हैं। और अदरक को भी हम सेम तरीके से चॉप कर लेंगे। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर चॉप करेंगे ताकि इजीली चॉप हो जाए। ये देखिए, तो अदरक भी हमारा तैयार है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। इसको भी हम मिक्सिंग बॉल में डाल देते हैं। और अब रह गई हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची को भी हम सेम तरीके से क्रश कर लेंगे। ये देखिए, और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो है तैयार है अचार बनने के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच के लगभग में हल्दी। मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं मिला रही हूँ, सिर्फ हल्दी मिलाऊंगी और सरसों का तेल मिलाऊंगी। तो मैं सरसों का तेल यहाँ पे कच्चा मिला रही हूँ, आप चाहे तो गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है जिसकी वजह से अचार को ख़राब नहीं होने देता। तो इसमें सरसों का तेल हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। पहले थोड़ा सा मिलाएंगे, इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो फिर से मिलाएंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो सरसों का तेल मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 500 ml के लगभग में सरसों का तेल मिला दिया है। और ये देखिए, अचार बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर कोई भी मसाले मिला सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने इसमें 10-12 के लगभग में हरी मिर्ची भी डाल दिया है, आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं। और मैं इसमें नमक भी नहीं डाल रही हूँ, नमक नहीं डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और नमक इसमें आपको खाते टाइम मिलाना है, जब आप इसको खाएंगे तब उसी टाइम 1 चम्मच अचार में 1 हरी मिर्ची काट कर डाल दें और उसके बाद नमक मिलाकर एंजॉय करें। धूप में आपको इस तरह से रखना है कपड़े से कवर करके, और 10 दिन तक अचार को हाथ नहीं लगाना है। 10 दिन के बाद इसको आप खा सकते हैं। आप अचार को कंटेनर में भरकर भी धूप में रख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कपड़े से ढक कर धूप में रखेंगे तो अचार जल्दी तैयार हो जाएगा। और अचार को डेली एक बार जरूर चलाएं। और 10 दिन तक अचार को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, 10 दिन के बाद ही आप इसको खा सकते हैं। अचार अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन मुझे वीडियो में दिखाना था इसलिए मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इस अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको यह अचार की रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।